Gliati. Tu un bagaglio da te? Mi gol, mi da vuoti belti dietro. Io perché ti porrio? तो अभी यहाँ पे डाल रखा है हमने कोदा, कोदे के बीज, और यह है हमारा टोमी। तो इसका पाँव किसी ने पत्थर की मार दिया, कुत्तों ने इसको काट दिया है, तो उसके पाँव में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी ने पत्थर मारी है तो ऐसा ना करें। देखो अपने पाँव यहाँ पे डाल रखे हमने मकई मुंगरी, गाय हमने खोल दिए, चलते हैं अब इनको लेके फिर से। फिलहाल देखो नींबू लग गए यहाँ पे, और यहाँ पे माल्टे भी, कुछ टाइम बाद ये भी पक जाएंगे, और यहाँ पे नींबू भी लग गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग हो रही है अभी मेरे फ़िलहाल इधर रास्ते से। तो बाकी मैं अभी रास्ते में आ चुका हूँ, और अभी मैं गाय लेके जा रहा हूँ तो नीचे की तरफ, फ़िलहाल छलांग लगा के आगे चलते हैं। और बाकी कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल हमारे साथ बहुत सारी भसड़ हुई। कल रात को मैंने सुअर देखा, और फिर सुबह को एक सांप दिखा, तो कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद एक और सांप दिखा जो कि किसी के घर में था, खैर मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि मैं उस टाइम पर सो रखा था। और बाकी ऐसा हो गया कि अभी आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, मतलब धूप लग रखी है बहुत अच्छी वाली। और बाकी अभी हेली वगैरह भी चल ही रहे हैं, और काफ़ी अच्छा हो रखा है। खैर हमेशा सुबह को तो ऐसे ही मौसम रहेगा बढ़िया साफ वाला, लेकिन दिन को जो मौसम हो रहा है वो बहुत ही बेकार हो रहा है, क्योंकि धूप नहीं लग रही है जबकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। और फिलहाल अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा पथरीला रास्ता है तो इसलिए मेरे को देख देख के चलना पड़ेगा। बाकी आपने ये मेरे पीछे बहुत बार देख ही चुके हैं इसको, कहाँ जा रहा हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे वाले फील्ड की तरफ, जहाँ मैंने परसों लंगूर भगाए थे उस चीज़ के नीचे की साइड, तो उधर की साइड ले जा रहा हूँ मैं अभी। और बाकी अभी फ़िलहाल कर तो मैं कुछ नहीं रहा, बाकी जा रहा हूँ, फिर देखते हैं इनको चरा के लाते हैं, और अगर कुछ देखने को मिलता है तो आपको भी दिखाते हैं। बाकी चलते हैं आगे। और अभी दिन का टाइम होगा, वैसे घर जाने का टाइम होगा, लेकिन फिर से लंगूर यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत परेशान कर रहे हो, तो सोच रहा हूँ कि पहले उन्हीं को भगा दूँ क्योंकि तब आफत दूर हो जाएगी। तो पहले उनको भगाते हैं, एक वो दानिया रखा मेरे साथ, तो उनको भगाते हैं पहले से रास्ते से फेंक रहा पत्थर। और बाकी उधर जा रखे कुछ इन बड़े पेड़ों पे हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ से भगा के फिर से यहाँ नीचे ले जाते हैं उन खेतों से नीचे, जब मैं परसों ले गया था उनको। तो मिलते हैं आपको फिर। तो यहाँ पे देखो बरसात में कितना बड़ा पेड़ उखड़ा वहाँ से, और ये देखो पूरा यहाँ गिर रखा है, पूरा पेड़ का ऐसा हालत हो रखा है। तो वहाँ से उखड़ा था वो, यहाँ पे देखो इसकी जड़ है, तो वहाँ से ये हमारा ही खेत है, ये वाला भी हमारा ही है, तो यहाँ से वो टूट गया, नीचे गधेरे में गिर गया था। तो फिलहाल मैं लंगूर भगा रहा हूँ इस पेड़ पे यहाँ पे। तो अभी घर पे आ चुका हूँ और खाना खा लिया है, तो ऐसे परेशान करते हैं हेली। आजकल दिन में बहुत ज़्यादा साउंड आता है इनसे, तो सो भी नहीं सकता आदमी, वो तो उतनी दूर से आ रहा है, लेकिन एक यहाँ से घर के ऊपर से आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शोर करता है। फिलहाल लंगूर को उधर या देखते हैं उनको भगाने का जुगाड़। फिलहाल खाना खा लिया है, नींद आ रही है, थोड़ा सोते हैं। उसका कबाड़ हटा के, पहले वो ऐसा था और अब ऐसा निकल गया उससे, तो कुछ यहाँ पे है और कुछ वहाँ पे रखा हुआ है अभी, उसको बाद में मानेंगे वो। तो बाकी ये और ये है, तो इसकी सफाई करेंगे, वो उससे सफाई करके ऐसा आएगा और इससे सफाई करके वैसा आएगा। तो पहले इसको इससे छानेंगे, फिर उससे उससे कबाड़ उड़ाएंगे उसको। ये वाला, ये यहाँ, ये यहाँ पे दिख रहा है जो ये वाला था, ये अभी तक उसे हम ले आते हो। तू उन बगाए नहीं तो तूने मेरे बोल मेरे तो बहुत ही बेल्ट ही लिया। युवक क्या जी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे एक सांप इनके घर में घुसा हुआ, तो कल भी था वो यहाँ अंदर और आज भी वो वही है। तो अभी फिर से शाम का टाइम हो गया है, लेकिन अभी आपने दिन में देखा कि कैसे बेड के नीचे एक सांप घुसा हुआ था, मतलब वो घर के अंदर घुसा हुआ था। मैं जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक सांप यहाँ पीछे भी था, तो यहाँ पीछे वाले घर पे जो मस्तू है तो उसके घर पे था वो, और वो पहले दिन घुसा था, तो पहले दिन भी शायद वो उस बैठ गए
वहीं नीचे गिरा था, वहाँ पे बहुत कम दिख रहा था, तो शायद वो इसीलिए बाहर नहीं, क्योंकि बाहर जाने के लिए वहाँ से कहीं से था नहीं और जगह से। तो अभी आज वो फिर से उसने देखा, तो दूसरे लड़के ने देखा, तो फिलहाल उसको भगा दिया है वहाँ से। और अभी इनका टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया, फिर से शाम होने वाली है। और मौसम आज तो बारिश नहीं हुई, लेकिन ऊपर देख लो फिर से बारिश होने को हो रही है पीछे। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो अभी मैं अभी घर ही पे हूँ, कुछ कर नहीं रहा। लो अभी सब कुछ हरे से अब ब्राउन ब्राउन होने वाला है, क्योंकि घास कटने वाली है सब जगहों की। तो बाकी यहाँ पे ककड़ी की बेल भी सूख गई है, और बाकी वहाँ पे है उसको हमारे यहाँ गोदड़े बोलते हैं, तो वो लगे हुए वहाँ पे। बाकी इधर सब कुछ, और बाकी यहाँ मिर्च लगी हुई है नीचे, तो ये देख लो लाल लाल वाली है ना जो, तो वो मिर्च और के वहाँ पे। तो अभी कुछ ऐसा सीन और रखा है। तो अभी हो गया पानी भरने का टाइम, इस पतीले पे पानी भर के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इस कोदे पे, और बाकी इस बाल्टी के तो मैं अंदर ले जाऊँगा। फिलहाल इसको भिगाते हैं, तब जाके इसकी मरनाई होगी अच्छी से। पहले इसको भिगाना पड़ेगा, तो इसको भिगाएंगे फिर उसके बाद इसकी मनाई करेंगे। बाकी वहाँ पे रखा हुआ कुछ, और बाकी अपना कुत्ता यहाँ अंदर रहता है उसके लिए यहाँ पे है। और अभी अंधेरा होने वाला है, और इधर देख लो बारिश का मौसम हो रखा है। तो अभी टोमी देखो यहाँ पर लेटा हुआ, क्योंकि उसके पाँव में हो रहा दर्द, किसी ने उसके पाँव पे मार दिया, या तो कुत्ते ने काटा, वैसे किसी दूसरे कुत्ते ने नहीं काटा हो, क्योंकि अभी वो बूढ़ा हो चुका है, उतना ज़्यादा लड़ाई नहीं करता है, जैसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, लेकिन वो आजकल यहीं पर बैठा हुआ है। अभी आग जलाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और आजकल अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा है, तो आग जलाना बहुत ज़रूरी है, ठंडा लग रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं, फिलहाल तो आग जला दी है, बाकी बाहर देखते हैं पाइप पे पानी उतान नहीं चढ़ पा रहा, तो उसको देखते हैं जुगाड़ लगाया है। आज रात फिलहाल सब्जी बनाते हैं, सब्जी ला रखी है नीचे पे, दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारी आज की सब्जी, अभी खेत से लाया है इसको, तो उसको काटेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे। फिलहाल इसमें राजमा, और ये देखो मीठे करेले में बोल रहा था ना, तो ऐसे कुछ होते हैं मीठे करेले, तो अभी इनको बनाएंगे, मिक्सअप बना रहे हैं हम सबको। ये देखो आलू भी है इसमें, राजमा भी है हरी वाली, और मीठे करेले भी तो बनाते हैं इनको, और उसके बाद मिलते हैं आपको।